बांस मंडी में फिर भड़की आग। चौथी मंजिल पर धुआं निकलते देख मची अफरा तफरी। बांस मंडी के भीषण अग्निकांड में तबाह हुए एआर टावर में एक हफ्ते बाद आग दोबारा से भड़क उठी। सोमवार आधी रात के बाद इमारत की चौथी मंजिल से धुआं निकलते देख आनंद फानन में अग्निशमन विभाग की दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। हालांकि डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। 30 मार्च 2023 को बांस मंडी स्थित रेडीमेड गारमेंट के बाजार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। इस भीषण अग्निकांड की शुरुआत एआर टावर से हुई, जिसके बाद तेज आंधी की वजह से आग पड़ोस के अर्जन टावर, मसूद कॉम्प्लेक्स, हमराज कॉम्प्लेक्स, नफीस टावर और सुपर हमराज कॉम्प्लेक्स तक फैल गई। लगभग 72 घंटे तक तीनों इमारतें धू धू करके जलती रही। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग पर काबू पाए जाने के एक हफ्ते बाद सोमवार की आधी रात करीब 1:30 बजे घटना स्थल पर तैनात पुलिसकर्मियों को एआर टावर की चौथी मंजिल पर धुआं निकलते दिखाई पड़ा। कुछ ही देर बाद धुआं तेज हो गया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। कुछ ही देर में अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। अनवरगंज के थाना प्रभारी अशोक कुमार सरोज ने बताया कि आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। माना जा रहा है कि एआर टावर की चौथी मंजिल पर किसी नई दुकान में आग पहुंची, जिसके बाद दोबारा से यह घटना सामने आई है। उन्होंने बताया कि सुबह एक बार दोबारा से एआर टावर का निरीक्षण किया जाएगा। गौरतलब है कि एआर टावर को पुलिस ने खतरनाक बिल्डिंग घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से चौथी मंजिल तक पूरी तरीके से निरीक्षण नहीं हो सका है। रात 2:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया था।